आईटी कल्चर जिसमें बच्चों का टाइम वेस्ट हो या बच्चों को अवेयरनेस की एक वास्ट लेवल पे अवेयरनेस की फुल इलिटरेट अनपढ़ पेरेंट्स हैं बहुत सारे जो गाड़ी लगाते हैं उनका बच्चा भी हमारे स्कूल में पढ़ता है वो नहीं जानता इन बातों के एनईपी 2020 है क्या, वो नहीं समझता कि वोकेशनल एजुकेशन है क्या, इसलिए हम सब लोगों को कुछ करना है। अभी इसका जो है ना, देखो आपने देखा होगा कश्मीर में पामपुर है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। इसके लिए कुछ टेम्परेचर कुछ साइड रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है क्योंकि बेसिकली सैफ्रॉन में एक ड्रॉट क्रॉप है, कम मॉइस्चर में होता है ये, वो तो अकॉर्डिंग कार्यक्रम है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एजुकेशन के कॉम्बिनेशन में मनाया जा रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि हमने वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं ट्रेड्स हैं हमारे वो हम बच्चों को किस तरीके से स्कूल लेवल पे सिखाया जाए। तो आज इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तकरीबन 50 मेंबर की टीम हमारे साथ है जिनको हम एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेन कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि ये एक्सेप्ट कर सकते अडॉप्ट कर सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि जो मेन उद्देश्य जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का है कि हर इंडिविजुअल को श्रमी बनाया जाए, उसके तहत इन बच्चों को स्कूल लेवल से ट्रेनिंग दी जाएगी डिफरेंट एग्रीकल्चर ट्रेड्स के ऊपर। आज का जो प्रोग्राम था प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर पे था कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस तरीके से की जाती है और उसको हमारे जो आने वाली नई जनरेशन है उसको किस तरीके से अडॉप्ट कर सकती है। तो ये प्रोग्राम था एग्रीकल्चर का एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इसको इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए।